हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए जीके जीएस के टॉप 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हूँ। ये क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रख कर डिजाइन किए गए हैं। आज के इस वीडियो में टॉप 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उन क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर आपको इन क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आज से पहले हमने 185 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन क्वेश्चंस को नहीं देखा तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, बांग्लादेश ने फर्जी सूचनाओं सोशल मीडिया पर अफवाहों के खिलाफ कौन सा अभियान शुरू किया है। तो अभी हाल ही में बांग्लादेश ने आसोल चीनी नाम का एक अभियान शुरू किया है, जिसके तहत बांग्लादेश क्या कर रहा था, जो फर्जी सूचनाएं सोशल मीडिया पर अन सोशल साइट पर फैल रही थी उन सब पर क्या किया, अभियान से नियंत्रण लगाने का प्रयास किया था। तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन से रेट किसी व्यक्ति के बंदी बनाए जाने के औचित्य का परीक्षण करने के लिए दायर की जाती है। तो अलग अलग प्रकार की रिट होती है जो किसी भी रिट को दायर करके हम पता कर सकते हैं। जैसे हमारी इसमें क्या होगी, जब किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाए तो उसके औचित्य का परीक्षण करना है, तो उसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट दायर की जा सकती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। जैसे किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण के पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, आपको किसी भी प्रकार का कारण नहीं बताएगा, कुछ नहीं, तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, आप इस रिट को दायर कर सकते हैं। इससे पता कर सकते हैं कि हमें किस अरेस्ट में किसके कारण अरेस्ट किया गया है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष मोहम्मद उस्ताफ अहमद द्वारा 7 जुलाई 2020 को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद हॉकी इंडिया का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। अभी अभी कुछ टाइम पहले आपका क्या हुआ था, 7 जुलाई 2020 को हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष थे मोहम्मद उस्ताक अहमद, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इनके इस्तीफा देने के पश्चात हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए आपके ज्ञानेंद्र निकुम्बाम। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी। इस तरह से करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखना और नोट्स जरूर बनाते जाइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होते हैं आपका प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि आचार अलार कलारम का संबंध कौन था। ये अलार कलारम वही है जो किनके गुरु थे, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले दीक्षा किससे ली थी, अलार कलाम से ली थी। तो महात्मा बुद्ध के गुरु भी कहा जाते हैं किसको, अलार कलाम को। और अलार कलारम का जो संबंध था ये सांख्य दर्शन से संबंध था। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी। जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग बहुत ही हेल्पफुल है और क्वेश्चन का लेवल इजी टू मॉडरेट रखा गया है। जो हमने 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज तैयार किया है, इसमें इजी क्वेश्चन भी और मॉडरेट क्वेश्चन भी। अगर आपने इस सीरीज को पूरा फॉलो किया और उसके नोट्स बनाए और साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहे उन सबको नोट किया तो अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जफर खान ने बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्ग का नाम बदल कर रखा था। जो आपके बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी उसका नाम था गुलबर्ग, लेकिन जफर खान ने उसका नाम बदल कर गुलबर्ग के स्थान पर एहसानाबाद रखा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं तो आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाइए, या फिर आपका स्कोर कितना रहा, ये टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पांगी घाटी किन जनजातियों का आवास क्षेत्र है। क्योंकि आपके एग्जाम में क्या होता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने हर टॉपिक को कवर करने को, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, साइंस की अलग सीरीज आपको पता ही हमारे चैनल पे चल रही है। इसके अलावा ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, जिस जिस टॉपिक जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सबको कवर करने का प्रयास किया है। पांगी घाटी ये आपकी स्थित कहाँ पर है, तो पांगी घाटी आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे मुख्य रूप से जो होती है आपके पंगाल और भोटिया नामक जनजातियाँ रहती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्योंकि पंगाल और भोटिया दोनों जनजातियों का आवासीय क्षेत्र है पांगी घाटी। तो राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, निम्न में किस भारतीय नेता ने
भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से 1922 में इस्तीफा देकर जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी चित्रनंदन दास ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी चित्रनंदन दास ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज के गठन के समय सिंगापुर किस देश का भाग था। जब आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था उस समय जो सिंगापुर था यह ब्रिटिश मलय का ही एक भाग हुआ करता था। तो राइट आंसर है आपका सी। इसके पश्चात 9 अगस्त 1965 को क्या हो गया था, यह स्वतंत्र हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि वर्ष 1992 में गस्तमी नाम से एक हाथी संरक्षण परियोजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया था। जो वर्तमान में हाथी संरक्षण परियोजना चल रही है तो वर्तमान में 16 राज्यों में चल रही है। इसका शुभारंभ आपका कब हुआ था, 1992 में, और शुभारंभ हुआ था आपके सिंहभूम जिला झारखंड से। तो राइट आंसर है क्वेश्चन का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं करनाल बंट रोग कौन से कवक के कारण होता है। करनाल बंट रोग आपका क्या होता है, टीलियोटा इंडिका नामक एक कवक होता है जिसके माध्यम से करनाल बंट रोग पादप फसल में हो जाता है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी। इसके अलावा जैसे कवक होते हैं तो कवक क्या होता है, जैसे आपने रोटी ब्रेड देखी होगी तो उसमें सफ़ेद फंगस नुमा जो संरचना होती है वही आपके कवक होते हैं। और कवक क्या करते हैं, शैवाल के साथ सहजीवी संबंध भी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का लेह नगर किस नदी के दाहिने तट पर स्थित है। जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख उसी का एक नगर है ना जो लेह आपका किस नदी के तट पर स्थित है। तो लेह आपका सिंधु नदी के तट पर दाहिने साइड पे स्थित है। तो राइट आंसर है सी। जो अपने हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा नामक शहर ये सब सभ्यता के कुछ विस्तार क्या हो रहे थे, आपको सिंधु घाटी नदी के किनारे मिल रहे थे, इसीलिए इस सभ्यता को क्या बोला गया था, पहले सैंधव सभ्यता भी बोला गया था। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोला गया था। कांस्ययुगीन क्यों बोला, क्योंकि पहली बार कांस्य धातु का प्रयोग इसी सभ्यता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इडुक्की बांध किन दो पर्वतों के बीच में स्थित है। तो इडुक्की बांध जो आपके कुरावन माला और कुराथी माला इन दो पर्वतों के बीच में स्थित है, और इडुक्की बांध आपके केरल के पेरियार में स्थित है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए। कुरावन माला और कुराथी माला इन दोनों पर्वतों के बीच में आपका इडुक्की बांध केरल के पेरियार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में किस उपकरण के माध्यम से दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात कर ऊंचाई का मापन करते हैं। कह रहे ऐसा कौन सा उपकरण जिसके माध्यम से दी गई ऊंचाई पर जल का क्वथनांक को ज्ञात करते हैं उसके माध्यम से ऊंचाई का मापन करते हैं। तो ऐसा हम करते हैं हिप्सोमीटर के द्वारा। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी। अलग अलग क्वेश्चन मीटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बैरोमीटर से किसका मापन करते हैं, वायुमंडलीय दाब का। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का, दूध के घनत्व का मापन करते हैं। ब्यूटेरोमीटर से दूध में उपस्थित वसा का मापन करते हैं। एमीटर से विद्युत धारा का मापन करते हैं। पोटेंशियोमीटर से विभवांतर का मापन करते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इन सबको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन किन हवाओं के मार्ग में बढ़ती है। जो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन क्या होती है, अपना चीकता साठा ये दो हवाओं के जो मार्ग के में पड़ती है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो किसी भी प्रकाश का रंग निर्धारित किया जाता है उसके तरंग दैर्ध्य से। तो राइट आंसर है डी। इसके अलावा कोई भी प्रकाश कोई भी चीज़ हमें किस रंग की दिखती है इसका निर्धारण हमें इस बात से होता है उसमें पड़ने वाली प्रकाश किरण में कौन से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। जो भी प्रकाश का रंग परावर्तन होता है वो वस्तु में उसी रंग की दिखती है। अगर कोई भी परावर्तन नहीं होता सारी चीज़ों का अवशोषण हो जाते हैं तो वस्तु में कैसी दिखती है, काली दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का भारत का पहला स्वदेश निर्मित कंप्यूटर कौन सा था। तो भारत का सबसे पहला जो स्वदेश निर्मित कंप्यूटर था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, TFIRC, क्योंकि इसी का फुल फॉर्म है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और इसका निर्माण कब किया गया था, तो 1962 में किया गया था। तो राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस एक प्रकार की जहरीली गैस है जिसका प्रयोग कई बार क्या हुआ युद्ध के समय भी किया गया है, इसके निर्माण में प्रयोग करते हैं, तो मस्टर्ड गैस के निर्माण में एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं, तो राइट आंसर है सी। उसके अलावा एथिलीन गैस के माध्यम से फलों को भी पकाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के परागकण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, तो जीव विज्ञान की जो शाखा होती है पैलिनोलॉजी, पैलिनोलॉजी में विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन करते हैं, तो राइट आंसर है डी। परागकण के माध्यम से क्या होते हैं, किसी भी पादप में जो जनन की क्रिया होती है, किसी भी पुष्प में जो होता है वो क्रिया किससे होती है, परागकण। परागकण अलग अलग माध्यम से, वायु के माध्यम से, कीटों के माध्यम से, हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है परागण की क्रिया होती है। परागण आपका दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र आपके यूपी के झांसी में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 100 ml रुधिर हीमोग्लोबिन में लगभग कितनी ऑक्सीजन ले जाता है, आपका जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें कितनी ऑक्सीजन होती है, तो 100 ml हीमोग्लोबिन में लगभग आपकी 20 ml ऑक्सीजन होती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए है। और 100 ml रक्त में और लगभग 15 ग्राम आपका क्या होता है हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही आपके रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में हीम एक प्रकार का वर्णक होता है जबकि ग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है, और आपके हीमोग्लोबिन में आयरन नामक धातु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक हैं, तो फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक हैं अरविंदो घोष, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी। इसके अलावा अरविंदो घोष की एक बहुत ही प्रसिद्ध कृति है द मदर, द मदर किसकी कृति है अरविंदो घोष की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि किस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि तीनों प्रेसिडेंसी को मिलाकर एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाए जिसका नाम इम्पीरियल बैंक रखा जाए, जब इम्पीरियल बैंक की स्थापना होती है तो इसी टाइम पे क्या हुआ था आपके चैम्बरल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, चैम्बरल कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया था कि जो तीनों प्रेसिडेंसी है उस टाइम की उन तीनों को मिलाकर एक बैंक की स्थापना की जाए, वो केंद्रीय बैंक कौन सा हुआ था इम्पीरियल बैंक, तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था, जो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा रिएक्टर केंद्र है ये आपके महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी। इस तरह से आज हमने टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, इन सारे क्वेश्चन के नोट्स जरूर बना लीजिएगा और रेगुलर वे पे रिविजन करते रहिए, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए और वीडियो को अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।